फाइनली गाइस बीजीएमआई में आज वेनम की एंट्री हो चुकी है। तो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं वेनम कहां कहां पे मिलेगा, वेनम की पावर कैसे यूज कर सकते हैं। भाई वेनम की पावर यूज करने के बाद बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बनती हैं, बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी आपको। और भाई कहीं भी कैम कर सकते हो, कहीं भी भाई बंदे को तो इजिली मार सकते हो। तो चलो गाइस आज हम आपको बताने वाले हैं एरेंगल और लिविक में कहां कहां वेनम की पावर मिलेगी आपको। तो गाइस चलो लेके चलते हैं आपको। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे आके लैंड करना है। ये वाली लोकेशन आपको सबको पता ही होगी पोचिंग के पास है। और मैं यहाँ पे आके लैंड हुआ ना जैसे, तो मैंने आके देखा, देखो भाई वेनम का जाल सा कुछ लगा हुआ दिख रहा था। मैंने आके फिर देखा हॉर्स पे, भाई वेनम का पूरा ही मतलब स्किन चढ़ी हुई थी। तो मैंने आके बैठ गया। तो इस पे कुछ चीज़ें मिलती है, जैसे कि एक तो ये फायरिंग वाला मिल रहा है आपको, इसको फेंक के मारना पड़ता, फायरिंग पे होल्ड करोगे तो आ जाता, फेंक के मार सकते हो। और इसको एक तो पावर है, देखो अभी यूज करके बताते हैं इसको। देखो एक जस्ट क्लोज में होगा तो आप इजीली मार सकते हो। और भाई जंप, भाई क्या लग रहा है, लुक भी भाई क्या ही लग रही है। अगर इस वेनम की पावर अपने करेक्टर पे यूज करनी है ना, उसकी भी टिप्स मैं बताने वाला हूँ कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस जैसे कि आप हॉर्स के पास आओगे, ऊपर लिख के आएगा रीट्रैप, तो उस पर क्लिक करोगे तो हॉर्स से पावर हट जाएगी, आपके पास आ जाएगी। तो आप ऐसे उसको सिलेक्ट करके तो आप ऐसे यूज करोगे ना भाई, एक तो ये पावर है, इस पर भाई 18 सेकंड का कुछ टाइमर चलता है। और इसके बाद भाई अगर आप इस एक बार फायरिंग करोगे ना किसी भी चीज पे क्लिक करके, तो भाई आप लोगों को देखो स्पाइडरमैन वाली बात फीलिंग आ गई, वो बिल्कुल भाई सेम स्पाइडरमैन वाली फीलिंग रहेगी आपको। और भाई इससे अगर वो लंबी वाली आप पावर यूज करोगे तो भाई बहुत दूर तक जा सकते हो, बहुत ऊंचे और बहुत जल्दी फास्ट। तो चलो गाइस चलते हैं अब लिविक में, आपको बता देता हूँ कहाँ पे ये पावर मिलेगी। तो गाइस लिविक में ये मिडिस्ट्रीन के पास ये रिकॉल टावर है ना, यहाँ पे आपको ये वाली वेनम की पावर मिल जाएगी आपको। जैसे कि चलो हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि आप आओगे ना तो भाई देख लो आपके पास सामने दिख जाएगा भाई वेनम की वो जाले से, और आप वेनम के घोड़े के ऊपर वेनम की स्किन दिख जाएगी। और देखो जैसे कि मैंने उतार दी और मैं इसको बैठ के यूज करता हूँ, भाई सेम पावर रहेगी, सेम सब कुछ रहेगा। और चलो गाइस चल के बताते हैं मैं कितना ऊपर ऊपर चढ़ सकता हूँ ये वाली वेनम की पावर यूज करने के बाद। देखो गाइस मैं एक बार ही मारूंगा इस पे, देखो भाई मैं इस वाले थंबे के ऊपर चढ़ गया, बस थोड़ा ग्लिच था या फिर सही से मेरा परफेक्ट बैठा नहीं तो इसलिए मैं नीचे गिर गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस बहुत ऊंचे ऊंचे जगह पे चढ़ सकते हो और बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बना सकते हो और भाई बंदों को ईजिली मार सकते हो। और गाइस अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं शॉर्ट वीडियो बना के बता दूंगा कि इस वाले पावर से बंदों को भी मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो, तो कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोगों को अगर लोकेशन और भी पता है तो कमेंट कर देना, और लोगों को मदद हो जाएगी। तो गाइस चलो चलते हैं और सब